मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा उपचुनाव के लिए हुए सपा और बसपा के गठबंधन को अपवित्र बताया। उन्होंने कहा कि दोनों डूब रहे थे, इसलिए एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं। डूबती सपा को तिनके का सहारा है बसपा का साथ, लेकिन अब दोनों डूबेंगे। फूलपुर उपचुनाव में जीत के लिए मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ सभाएं की। सोराओं के जलालपुर स्थित जवाहरलाल इंटर कॉलेज मैदान और नगर के अल्लाहपुर स्थित रामलीला मैदान में आयोजित सभाओं में उन्होंने सपा और बसपा को निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी सरकार में प्रदेश को लूटा है। मुख्यमंत्री गुरुवार को सोराओं विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने फूलपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी कौशलेंद्र सिंह पटेल को जिताने की अपील की। फूलपुर लोकसभा सीट में आधा शहर भी शामिल होने के बावजूद इसे ग्रामीण सीट बताया जाता रहा। हालात ये रहे कि चुनाव सिर पर होने के बावजूद नगर में किसी ने कोई बड़ी सभा नहीं की। योगी आदित्यनाथ ने अंतिम क्षण में नगर की ओर रुख किया। अल्लाहपुर के रामलीला मैदान में योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को सभा की और मतदाताओं से भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में कैबिनेट मंत्री रीता जोशी ने भी फूलपुर क्षेत्र में प्रचार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा फूलपुर में पिछली बार से ज्यादा वोट हासिल करने की लड़ाई में है और सपा की हार तो पहले से तय है। मैंने भी बहुत सारे क्षेत्रों में किया। मैं बेनीगंज गई, राजपुर गई, मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग थे ही उनकी मीटिंग में। लेकिन इसके अलावा मैंने टेगोर टाउन, जॉर्ज टाउन और इधर पूरे सिविल लाइन्स का, और इसके अलावा हमने राजापुर, हमारा निवादा, उधर जो हमारा पिछड़ों से चर्चा की है, जो मैं जानती हूँ कि चुनाव में महत्व रखते हैं। अब आज अल्लाहपुर में महिलाओं का एक बहुत बड़ा 500 से 1000 के बीच में महिलाएं वहां होंगी। आज उनका हमने सम्मेलन पूरे फूलपुर लोकसभा सीट से आहूत किया है, आयोजित किया है। स्वयं सेवी संस्था कर रही है जिसमें उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। तो मैं जब हमने फूलपुर के चुनाव में प्रचार प्रारंभ किया था, उस समय हम लोगों को लग रहा था कि चुनाव में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम बीच में लोगों के आए तो जनता का इतना ज्यादा उत्साह भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, मोदी जी और योगी जी के कार्यशैली के प्रति है, देश की नीतियों की, उसके कार्यक्रमों की प्रशंसा की। और बहुत लंबा हमारा राजनीतिक अनुभव इलाहाबाद का है, जनपद का है, राजनीति का है। आपको पता है शहर की जो दो सीटें अब पूर्ण, तो मैं बहुत ही आश्वस्त हूँ हमारे प्रत्याशी जीतकर जाएंगे, लोकसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे। बिल्कुल खड़े उतरे, हमारी सरकार खड़ी उतरी है। इन 11 महीनों में जो काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, अपनी योजनाएं बढ़ाना, हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए, हर समुदाय के लिए काम करना, ये जो उनका प्रयास है उसका इतना जबरदस्त असर है जनता पे कि मुझे लगता है कि रिकॉर्ड तोड़ हमारी जीत होगी। और मुझे तो ये लग रहा है सभी पार्टियों की जमानत जब्त होती है। अब देखिए, वो पहले ही इतनी बार रिजेक्ट हो चुके हैं इलाहाबाद में, जब उस समय रिजेक्ट हो गए तो अब आज तो एक्सेप्ट होने का कोई सवाल ही नहीं है। परंतु अगर कोई थोड़ा बहुत लोगों को बांधने की कोशिश कर रहा है अपनी कम्युनिटी को, तो वही कर रहे हैं। और विपक्ष में हमारे आसपास तो कोई नहीं। देखिए, ऐसा है कि मैं तो इलाहाबाद की हुई हूँ परंतु लखनऊ का प्रतिनिधित्व करती हूँ। और क्योंकि फूलपुर का चुनाव है तो जो लोग फूलपुर के चुनाव में से संबंधित हैं उन लोगों को रखा गया। मैं तो लखनऊ का प्रतिनिधित्व करती हूँ संभवतः इसके, पर मैं तो इलाहाबाद में इतनी परिचित हूँ कि मुझे परिचय कराने की आवश्यकता थोड़ी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने भी फूलपुर उपचुनाव के मद्देनजर बुधवार को कई सभाएं संबोधित की। साथ ही नगर क्षेत्र में यूनिवर्सिटी रोड पर रोड शो भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी लोगों का भरोसा जीतना चाहती है, भाजपा झूठ के बल पर देश की जनता को गुमराह कर रही है। शहर के प्रीतम नगर अटाला में हुई सभा में राज बब्बर ने कहा कि कांग्रेस की जीत तय है, कांग्रेस के साथ जनता जी जान से जुटी है
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर ने सपा पर जमकर निशाना साधा। गुरुवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सपा भाजपा के साथ मिलीभगत कर रही है। उसने एक बाहरी और अपरिचित प्रत्याशी को टिकट देकर भाजपा की राह आसान कर दी है। सपा और भाजपा को स्थानीय जनता जरूर सबक सिखाएगी। ये बात जो अफवाहें फैलाने का काम समाजवादी पार्टी के लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि वो उन तमाम लोगों को कंफ्यूज कर सके जो हमारे साथ आज बहुत मजबूती से खड़े हैं। यह खुद भारतीय जनता पार्टी की टीम है जिन्होंने बिहार में जाके इलेक्शन लड़ा ताकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर सके। तमाम ऐसे पिछले चुनाव में भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को काम किया। यह खुद भारतीय जनता पार्टी इन्होंने यहाँ पे एक ऐसा कैंडिडेट किया जो ना लोकल था और ना ही उसको यहाँ की क्षेत्र की जनता जानती है जानती है। तो जाहिर तौर पे इन्होंने एक ऐसा कैंडिडेट किया जिसके आने से भारतीय जनता पार्टी को मेरे वाले साहब लगातार कह रहे थे कि एक ऐसा कैंडिडेट लाइए जो कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करे। वो उसका पूरे तरीके से समर्थन करना चाह रहे थे और जो उनका मकसद हमेशा से आप लोग इस बात के गवाह हैं हमसे ज्यादा राजनीति आप मेरे अपन ने देखी है हमसे ज्यादा साल आपका रहा है उससे तो आप लोग इस बात के गवाह रहे हैं कि उन्होंने कभी भी चाहे जितनी परेशानियां चाहे जितनी दिक्कत आ पड़ी हो कभी भी समझौता नहीं किया। यही वजह रही कि उनकी आधी जिंदगी जेल की सलामत पीछे। चुनावी सभा को संबोधित करने इलाहाबाद आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एनएसयूआई के कार्यकर्ता ने काला झंडा दिखाया। तेजी से आ रही योगी की फ्लीट के आगे काला झंडा लेकर सपा कार्यकर्ता कूद गया। कार्यकर्ता सीएम योगी गो बैक के नारे लगा रहा था। महिला दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को लखनऊ इंटरसिटी महिलाओं के हाथों में रही। इंजन में सहायक लोको पायलट ममता यादव और कोच में 6 महिला टीटी ट्रेन यहाँ लेकर आई। महिला कर्मचारियों का जोश देखते ही बना। बाकी दिनों की तुलना में ट्रेन की समय पालनता भी सुधरी रही। ट्रेन रिसीव करने प्रयाग स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक पीके मणि त्रिपाठी और अन्य लोग जुटे रहे। प्रॉपर्टी डीलर कामरान का हत्यारोपी इमरान पुलिस के हत्थे चढ़ गया। एसएसपी आकाश कुलेरी ने बताया कि कामरान की हत्या 2 लाख रुपए के लेन देन को लेकर की गई थी। इसमें जो सह अभियुक्त हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए इसमें नामजद जो मुख्य अभियुक्त था नावेद इब्राहिम नाम का लड़का था उसकी अरेस्टिंग हम लोगों ने की है। उसके द्वारा जो पूछताछ में बताया गया है कि ये 7 लोग जो है टाटा सफारी से गए थे और आपस में इनकी हॉटटॉक हुई थी। 2 लाख रुपए के लेन देन को लेकर के विवाद था। उसी में कामरान ने डेलाइट बेकरी के पास में उसको बुलाया था वहीं पर इनकी हॉटटॉक हुई भरी दोपहर में। और जो अदनान जो इसका सह अभियुक्त इसमें है उसके द्वारा लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर किया गया है। इसमें अभी नावेद इब्राहिम की हमने गिरफ्तारी की है। अदनान भी अभी फरार है और बाकी जो अज्ञात में थे उनको भी हम नाम खोल रहे हैं। प्रकाश माया इसकी पूछताछ के तहत में 5 लड़के और प्रकाश माया है इस तरह से इसकी एक की गिरफ्तारी की और बाकी भी अभी जो सह अभियुक्त है उनकी भी गिरफ्तारी हम बहुत जल्द करेंगे। बीटेक इसमें शियाज यूनिवर्सिटी से डेयरी के अंदर में जो है इसने बीटेक किया है और बाकी अभी प्रॉपर्टी डीलिंग का ये लोग काम कर रहे थे। कामरान भी प्रॉपर्टी डीलर था तो उसी को प्रॉपर्टी डीलिंग में इनके 2 लाख रुपए के लेन देन को लेकर के पिछले 2-3 महीने से विवाद चल रहा है। बाकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और आने वाले समय में बाकी जो 5-6 अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग करेंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC के इलाहाबाद स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर प्रतियोगी छात्रों का धरना और क्रमिक अनशन गुरुवार को भी जारी रहा। छात्र SSC द्वारा किए गए चयनों में धांधली का आरोप लगाकर CBI से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। नैनी थाना क्षेत्र के लोकपुर में पूरा फतेह मोहम्मद निवासी मोहम्मद हफीज उर्फ हप्पू कबाड़ी का गोदाम है। वो एक स्क्रैप सप्लायर है। डीहा के सुलेमान का पुत्र मोहम्मद हबीब गोदाम की देखरेख करता था। बुधवार रात गोदाम में चोरी के इरादे से कुछ लोग घुसे। इसी दौरान हबीब की नींद खुली तो उसने शोर मचाने की कोशिश की।
इस पर चोरों ने उसे गोदाम के अंदर ही बांधकर बंद कर दिया और आग लगा दी। हबीब इस आग में जिंदा जल गया। गुरुवार सुबह लोगों को इसकी जानकारी हुई तो हंगामा मच गया।